नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारा YouTube चैनल में आपका बहुत सारा स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजर पैनल और एडमिन पैनल प्रोजेक्ट फाइल के बारे में। मतलब है दोस्तों, यूजर के लिए एक एप्लीकेशन और एडमिन के लिए एक एप्लीकेशन। एडमिन जो है दोस्तों, यूजर ऐप में अपडेट भेज सकता है, चाहे तो कोई डायलॉग वगैरह, कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज वगैरह शो करवा सकता है। तो सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तों स्केचओयर प्रो का। खास करके जो नया डेवलपर्स है ना, नया नया सीख रहे हैं ना स्केचओयर प्रो में एप्लीकेशन बनाना, नया नया सीख रहे हैं उनके लिए ये प्रोजेक्ट फाइल है। वो लोग देख करके सीख सकते हैं एडमिन पैनल और यूजर पैनल का जो है काम वगैरह, जो एक्टिविटी वगैरह जो है दोस्तों वो देख करके सीख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट फाइल है स्केचओयर प्रो का। बाकी आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए दोस्तों, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को स्टार्ट मारते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम क्रेडिट देते हैं, आप इन्हें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, फुल सपोर्ट कीजिएगा ये प्रोजेक्ट फाइल के लिए दोस्तों। यूजर डायलॉग और एडमिन का है, मतलब एडमिन जो है वो दोस्तों यूजर को एक नॉर्मल डायलॉग वो सेंड कर सकता है, दिखा सकता है दोस्तों फायरबेस डाटाबेस की मदद से। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दोनों एप्लीकेशन जो है ना वो दोस्तों एक ही डाटाबेस के साथ दोस्तों जो है ना कनेक्ट है। अगर एक ही रहेगा तभी तो आप शो करवा सकते हैं ना। तो ये दोनों एक ही एप्लीकेशन है, लेकिन दोस्तों ये अलग अलग इसको बना दिया गया है, इसका जो है पैकेज नेम चेंज करके अलग अलग बना दिया गया है। एक का नाम दिया गया है एडमिन, उसका नाम है यूज़र। मतलब ये यूज़र जो यूज़र इस्तेमाल करेगा ये उसके लिए बनाया गया है, और दोस्तों जो एडमिन जो है ना, जो मालिक होता है वो एडमिन के लिए ये बनाया गया है। एडमिन जो है दोस्तों कुछ भी अपडेट भेज सकता है, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो है ऐप जो है ना वो अपडेट भेज सकता है। एडमिन जो है वो अपडेट भेज सकता है यूज़र को अपना एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए। तो तरह तरह का होता है दोस्तों, बहुत तरह तरह का होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट फाइल का डाउनलोडिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और दोस्तों आप डाउनलोड करके दोस्तों आप चेक करके देख सकते हैं। ओके दोस्तों, और यहाँ पर मैं ये दो प्रोजेक्ट फाइल को पहले से ही इंस्टॉल कर लिया है दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये यूज़र का है, ये जो है ना ये यूज़र का प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तों। और हम एडमिन को ओपन कर लेते हैं, ये एडमिन को ये हमने ओपन कर लिया है। तो एडमिन क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर एक आपको एक मैसेज शो करेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये सेंड करेगा तो ये वहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम एक इस तरीके से आप लिख देते हैं वार्निंग का कुछ रिपोर्ट दे देते हैं, और यहाँ पर हम मैसेज दे देते हैं आपका, नहीं यहाँ पर हम क्या देंगे, तो आपको वार्निंग दिया जाता है, आप कृपया ऐसा ना करें तो आपका अकाउंट को हम डिलीट कर देंगे, या आपका किया हुआ पोस्ट को हम हटा देंगे, या आप इस ऐप को अपडेट कर लीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहां पर जो भी आपको मैसेज है वो आपको यहां पर एंटर कर देना है दोस्तों, ठीक है। ये होता जा रहा है, हाँ ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो बटन का नाम है, अब जो है ना दोस्तों एडमिन पैनल में आप इस तरीके से बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा डिज़ाइन आप यहां से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यूआई डिज़ाइन को आप यहां से सेंड कर सकते हैं, पूरा का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये जो है ये एग्जाम्पल प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तों, जो बिगनर्स हैं ना, जिन्हें पता नहीं है, जो नया नया सीख रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा सीखने के लिए। तो बटन का नाम आप दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम देते हैं डाउनलोड DO, ठीक है, इस तरह से डाउनलोड बटन देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम देते हैं कुछ भी बटन देते हैं, ओके या कैंसिल आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है, कैंसिल। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या दे, ओके दे देते हैं, ठीक है। तो ये हम ओके दे के हम सेंड कर देते हैं दोस्तों, ये देखिए ये आपका जो है ये सेंड हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको जो है आपका ये आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आप जो है ना ये बटन का पर क्लिक करने पर ये लिंक वगैरह आप दे सकते हैं। तो कोई डाउनलोडिंग लिंक हो गया, यहाँ पर आप ओके दे सकते हैं, देखिए चला गया मैं, ठीक है। दोबारा सेंड करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं ओके नहीं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नो,
और सेंड करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये आ जाएगा। आप देखिए डायरेक्टली ये अपडेट भी हो गया, आप डायरेक्टली अपडेट भी कर सकते हैं काफ़ी। आप देखिए आप जो है ना इसका यूआई डिज़ाइन को भी दोस्तों आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर कॉर्नर वगैरह सब कुछ आप दे के अपडेट भी करवा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है एडमिन के थ्रू यूजर प्रोजेक्ट में आप एप्लीकेशन में आप कुछ भी भेज सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, कोई नोटिफिकेशन वगैरह अपडेट वगैरह भेज सकते हैं। तो ये दो प्रोजेक्ट फाइल जो है दोस्तों मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप डाउनलोड कीजिए, चेक कीजिए, ठीक है, टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए, सीखिए, ठीक है। सीखने के बाद आप इसे भी अच्छे से आप बना सकते हैं, ओके दोस्तों। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।